लॉकडाउन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज आपसे बात करूंगा मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम अर्थात रूपांतरित भूमिगत तना के चौथे प्रकार के बारे में। चौथा प्रकार है बल्ब अर्थात शल्ककंद। शल्ककंद से हम लोग सभी परिचित हैं। ये शल्ककंद का मुख्य उदाहरण है प्याज और लहसुन। ये मैं रखा हूं। प्याज और लहसुन की संरचना अभी हम लोग देखेंगे कि यह मॉडिफाइड स्टेम क्यों है और इसमें कौन कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है जिसके आधार पर हम इसको स्टेम कहते हैं और वैसे भी हम लोग इसको यूज करते हैं, तो इसके भागों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें से हम कौन सा भाग खाते हैं, कौन सा भाग क्या कहलाता है। इस संबंध में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल हर एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, कौन सा भाग फेंक देते हैं और इसमें कौन कौन से स्पेशल अर्थात विशेष गुण विशेष इसकी विशेषताएं हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं प्याज की ये है क्या। प्याज रूपांतरित भूमिगत तना है और सबसे बड़ी बात ये इसका साइज स्फेरिकल होता है और यह रिड्यूस्ड भूमिगत तना है। रिड्यूस्ड है, ध्यान रखेंगे, इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं भूमिगत तना के बारे में वो रिड्यूस्ड नहीं थे, लेकिन यहाँ ये रिड्यूस्ड भूमिगत तना है। ये जो प्याज दिख रहा है आपको ये पूरे का पूरा तना नहीं है, तना वाला जो भाग है वो ये है मुख्य रूप से, जहां से ये एडवेंटिटियस अर्थात अपस्थानिक जड़ें निकली हुई हैं। ये जो दिख रही हैं आपको, ये देखिए धागेनुमा जो संरचना दिख रही है, ये क्या है? अपस्थानिक जड़ है। यह अपस्थानिक जड़ है और इसका जो तना है वो डिस्क के समान होता है, एक चकती के समान होता है। तो ये चकती, यही जो दिख रहा है आपको, यही है इसका तना और तने से ही ये एडवेंटिटियस अर्थात अपस्थानिक जड़ें निकली हुई हैं। ये देखिए, ये अपस्थानिक जड़ें निकली हैं और इसको मैं यदि काट के अलग कर रहा हूं, देखिएगा ये निकला, ये है इसका तना। ये जो मुख्य रूप से दिख रहा है डिस्क के जैसी संरचना दिख रही है, कुछ भाग इसमें निकल गया है, ये है इसका तना वाला भाग। ये है इसका मुख्य तना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि यह रिड्यूस्ड होता है, छोटा होता है, मतलब कम होता गया है। ये रिड्यूस्ड स्टेम है, डिस्क के समान होता है ये इसका तना। और सबसे बड़ी बात अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। इसके पहले का जो स्ट्रक्चर देखे थे आलू का देखे थे या फिर और जो दूसरे स्ट्रक्चर देखे थे अदरक का, तो उसमें नोड्स और इंटर नोड्स क्लियर दिखते थे, लेकिन इसमें इंटर नोड्स और नोड्स क्लियर देख पाना मुश्किल होगा। पहली बार उसमें जो स्केल लीव्स थे वो बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन प्याज की विशेषता ये होती है कि इसके स्केल लीव्स बड़े होते हैं, स्केल लीव्स इसके बड़े होते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये जो बाहर ये पिंक ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये जो मैं निकाल रहा हूं, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्यूनिक। ये जो संरचना है यह ट्यूनिक कहलाता है। अब ट्यूनिक के बाद जो संरचना होती है वो कौन सी संरचना है जो हम लोग खाते हैं, इसको मैं काट के देखता हूं। ये देखिए, ये मैंने काट दिया। अब इसको देखिए, ये जो संरचना मैं निकाल रहा हूं जिसका हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम खाते हैं, ये तो सबसे बाहरी संरचना जो है ट्यूनिक हो गई। अब ट्यूनिक के बाद ये जो संरचना है ये क्या है? ये है शल्क पत्र। जो हम लोग खाते हैं वो शल्क पत्र है, ये शल्क पत्र है। ये बाहर की संरचना ट्यूनिक निकाल दिया मैंने, और ट्यूनिक के बाद चलिए यहां से फिर निकाल लेते हूं, ये है शल्क पत्र जिसको हम लोग खाते हैं। तो प्याज की ये जो झिल्ली है एक परत है, इसी से हम लोग पादप कोशिका का अध्ययन करते हैं इसकी झिल्ली से। तो ये जो परत है ये है शल्क पत्र अर्थात स्केल लीव्स, और इसी स्केल लीव्स का हम लोग प्रयोग करते हैं, हम लोग खाते हैं। अब दूसरा ये है लहसुन। लहसुन में भी यही है, ये भी डिस्क के समान संरचना होती है इसका तना, और इससे भी एडवेंटिटियस अर्थात अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ये है तना वाला भाग। और इसके अलावा ये जो है ये बल्ब नहीं कहलाते, ये पूरा बल्ब है, ये पूरा बल्ब है। और बल्ब के साथ साथ इसमें बल्ब के साथ साथ जो है इसमें ये पूरी जो संरचना है वो क्या है? बल्ब, और बल्ब के अंदर यहां बल्बलेट्स हैं, इसके अंदर बल्बलेट्स हैं।
अब ये जो बल्ब है ये पूरा बल्ब कहलाएगा, और पूरा ये जो है ये भी बल्ब है, लेकिन इसके अंदर जो ये है, ये जो आप जिसको ये हम लोग लहसुन कहते हैं, ये बल्बलेट्स कहलाता है, बल्बलेट्स हैं। इन दोनों में विशेष अंतर होता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है, इसमें अंतर ये है कि इसकी जो स्केल लीव्स हैं एक के ऊपर दूसरी होती हैं, और सबसे बाहर ट्यूनिक की एक परत पाई जाती है, सबसे बाहर ये ट्यूनिक की परत पाई जाती है जो ऊपर दिख रहा है आपको, और यहाँ स्केल लीव्स होती हैं, ये पूरी स्केल लीव्स हैं, और अंदर यहाँ एक्सिलरी बड, टर्मिनल बड, ये जहाँ से ये अंकुरित होता है, ये होता है, ये इसकी विशेषता हो गई, ये एक ही है। लेकिन जो लहसुन होता है, लहसुन में विशेषता ये होती है कि बाहर तो ट्यूनिक की परत होती है, लेकिन अंदर भी ये जितने भी बल्बलेट्स होते हैं सब में ट्यूनिक की परत होती है, एक जो ट्यूनिक है उसकी एक परत होती है, मतलब ये जो लहसुन छीलते हैं ना, तो जो छील के निकाल देते हैं ये है एक ट्यूनिक की परत, और उसके बाद जो बचता है वो है उसका फ्लैशी पार्ट, वो उसका फ्लैशी पार्ट है, मांसल भाग होता है, और उसके अंदर एम्ब्रियोनिक लीव्स होती हैं, इसके अंदर एम्ब्रियोनिक लीव्स होती हैं, और फिर यही बाद में जर्मिनेट होता है, एम्ब्रियोनिक लीव्स होती हैं उसके बाद ये फिर जर्मिनेट होता है। तो दोनों में जो मुख्य अंतर होता है वो अंतर यही है कि ये जो है प्याज, इसको हम कहते हैं कंचुकित सलकंद, कंचुकित सलकंद, अर्थात इसमें जो सल्क पत्र होते हैं एक दूसरे को पूर्ण रूपेण ढके रहते हैं, ये देखिए एक दूसरे को जितने भी इसमें स्केल लीव्स हैं, सल्क पत्र हैं, जितने भी ये सब एक दूसरे को ढके रहते हैं, और बाहर से इनमें ट्यूनिक की एक परत होती है जो जिसे हम लोग छिलका कहते हैं, और दूसरा जो लहसुन है उसको हम शल्की कंद, सल्क कंद कहते हैं, शल्की सल्क कंद कहते हैं, और इसकी जो विशेषता होती है कि इसमें बल्ब के चारों ओर इसमें जो स्केल लीव्स हैं एक दूसरे को ढकते नहीं है, इसके जो स्केल लीव्स हैं वो एक दूसरे को ढकते नहीं हैं, इनमें बल्ब के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। बल्ब जो है ये सबसे पहले तो बल्ब ये पूरा बल्ब कहलाएगा। अब इसके बल्ब के चारों तरफ ये देख लीजिए, दो तीन बार इसलिए बता रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। बल्ब के चारों तरफ ये जो झिल्ली पाई जा रही है ये ट्यूनिक है, और ट्यूनिक के अंदर इसके अंदर ये जो ये है ये बल्बलेट्स कहलाते हैं, और बल्बलेट्स के चारों तरफ भी ट्यूनिक की एक झिल्ली पाई जाती है। तो इस तरीके से ये जो प्याज है और लहसुन है ये मुख्य रूप से इनके किसके शल्ककंद अर्थात बल्ब के प्रकार हैं, और बल्ब के प्रकार में यदि कोई पूछे कि हम लोग क्या खाते हैं तो हम लोग इसके लीव्स का यूज करते हैं, इसके स्केल लीव्स को खाते हैं। इसमें जो स्टेम होता है रिड्यूस्ड होता है, बहुत छोटा होता है, डिस्क के समान होता है, ये जो नीचे दिख रहा है ये डिस्क के समान होता है, और स्टेम से ही ये एडवेंटिटियस अर्थात अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। तो और इसके दो मुख्य प्रकार हैं, कंचुकित सलकंद जिसका उदाहरण है प्याज, और दूसरा है शल्की सलकंद जिसका उदाहरण होता है ये लहसुन। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा, आप भी एक बार करके देख लीजिएगा इसको कि ये किस तरीके की संरचना होती है। धन्यवाद।